कोरोना ने देश की होटल इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकार के भी तमाम राहत पैकेजों में इस सेक्टर की अनदेखी की गई है। अब ये सेक्टर सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। होटल इंडस्ट्री का कहना है कि अगर सरकार से सहारा नहीं मिला तो कई होटल हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। कोविड 19 के डबल अटैक से देश की होटल इंडस्ट्री की हालत पतली हो गई है। पहली लहर से उभरने की कोशिशों में जुटी होटल इंडस्ट्री को दूसरी लहर ने घुटनों पर ला दिया है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी फेरे के मुताबिक 2020-21 में भारतीय होटल इंडस्ट्री को 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2019-20 में भारतीय होटल इंडस्ट्री का कुल रेवेन्यू 1.82 लाख करोड़ रुपए था, यानी 2020-21 में इंडस्ट्री का रेवेन्यू करीब 75% लुढ़क गया है। अब फेरे ने प्रधानमंत्री और कई दूसरे मंत्रियों को पत्र भेजकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बचाने और वित्तीय मदद करने की गुजारिश की है। फेरे का कहना है कि कारोबार तेजी से बंद हो रहा है और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी NPA बढ़ रहे हैं। 2020 में धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधरने लगी थी, उसके बावजूद 2021 में दोबारा इस पेंडेमिक ने बहुत बड़ा पुनः भयानक रूप ले लिया। होटल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रयास इस सेक्टर में कुछ पैकेज दिया जाना चाहिए, जिसमें बिजली का बिल माफ़ हो, बैंकों द्वारा जो ब्याज है ऋण पे वो माफ़ हो। फेरे के मुताबिक मार्च 2020 में इंडस्ट्री अपने खर्चों के प्रबंध के लिए संघर्ष कर रही है। ब्याज के साथ लोन का भुगतान न केवल मुश्किल लग रहा है बल्कि हाल ही में बढ़े संक्रमण के चलते पैदा हुए आर्थिक हालात में अब ये असंभव लगने लगा है। सेक्टर का मानना है कि EMI और ब्याज के भुगतान पर मॉरेटोरियम की सुविधा मिले बगैर ये सेक्टर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फेरे की मांग है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए विशेष पॉलिसी लाई जाए जिससे घाटे के असर को कम किया जा सके। इस सेक्टर को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि इसके बगैर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर फिर से पटरी पर नहीं लौट पाएगा। सरकार को समय गवाए बगैर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए वैधानिक चार्ज खत्म करने समेत खास प्रावधान करने चाहिए। लॉकडाउन की मियाद के दौरान हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज, बिल चार्ज और एक्साइज लाइसेंस फीस माफ किए जाए। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के संस्थानों को फिर से कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कम ब्याज पर वर्किंग कैपिटल मुहैया कराए। आमदनी का नुकसान उठाने वाले इस इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए सरकार की झोली में अब कितनी गुंजाइश है ये देखना भी जरूरी होगा। हालांकि सच्चाई ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत समेत जितने भी पैकेज सरकार ने अब तक जारी किए हैं उनमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की हर बार अनदेखी हुई है। बिजली पानी और एक्साइज की लाइसेंस की फीस की भी जो है माफ करनी चाहिए। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि होटल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म सेक्टर का सरकार को रहता है, तो इस सेक्टर को बचाने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार इस बार हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मुश्किलों को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करेगी जिससे रोजगार और विदेशों में भारत की छवि को चमकाने वाले इस सेक्टर की रौनक बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।